ओंकारेश्वर में रेड नाइट न्यूज पर भ्रष्टाचार की खबर दिखाए जाने का व्यापक असर हुआ है। खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन और ताबड़तोड़ ग्राम पंचायत कोड़ियाखेड़ा में जांच करने पहुंचा एसडीओ व उनकी टीम ने बाउंड्री वॉल निर्माण कार्यों की जांच की। इस दौरान ठेकेदार ने सब इंजीनियर पर लगाया आरोप। हरसूद जनपद के कोड़ियाखेड़ा पंचायत के सरपंच बाबूलाल राठौर के द्वारा सब इंजीनियर संतोष अहिरवार पर निर्माण कार्य बाउंड्री वॉल में मूल्यांकन के नाम पर 80,000 मांगने का आरोप लगाने के बाद मामला सुर्खियों में है। मांधाता विधायक के हस्तक्षेप के बाद अनामिका माइकल एसडीओ खंडवा टीम के साथ ग्राम पंचायत कोड़ियाखेड़ा पहुंची। यहां पर बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य का जांच करने के साथ ही पंचायत के द्वारा किए अन्य निर्माण कार्यों की जांच की। जांच के दौरान एसडीओ के सामने विकलांग ठेकेदार मनोहर मालवीय, जिसने यह बाउंड्री वॉल बनाई थी, वह बोला, मैडम 3 महीने पहले मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। मैं अस्पताल में भर्ती था, वहां पर सब इंजीनियर संतोष अहिरवार आया तो मैंने उसे मूल्यांकन करने का कहा। तब उसके द्वारा मुझसे अस्पताल में ही 20,000 रुपये का कमीशन मांग लिया गया। फिर मूल्यांकन करने की बात की गई, मेरे द्वारा घर से अस्पताल में ही बुलाकर रुपए दिए गए। उसके बाद भी बाउंड्री वॉल का मूल्यांकन नहीं हुआ। वहीं ठेकेदार की भी बात सुनकर एसडीओ ने कामों का पंचनामा बनाकर ग्रामीणों को सुनाया और हस्ताक्षर लिए। रेड नाइन न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। अहिरवार मेरे से पेमेंट लेने अस्पताल पहुँच गया था, मेरा ऑपरेशन पाँव का किया है और मेरा पाँव कटा हुआ था। ये कब की बात है? ये अभी 3 महीने पहले की बात है। आपने क्या किया था? मैंने बाउंड्री वॉल का काम किया था तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मूल्यांकन कर लीजिए सर, मेरा पेमेंट अटका हुआ है अभी। मैं तो बोले कमीशन आप दोगे तो मैं ये काम मूल्यांकन कर दूंगा। भाई क्या नाम आपका? मनोहर मालवीय। मैं SDRES खंडवा हरसूद के प्रभार में, और अतिरिक्त मेरे पास जनपद हरसूद का प्रभार भी है। और ये जांच मुझे दी गई थी कोड़ियाखेड़ा ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों की, जिसमें 5 CC रोड हैं, 1 सुदूर सड़क है और 1 ये बाउंड्री वॉल है जिसकी क्लिप्स चल रही थी। और हमारे द्वारा ये जांचें की जा रही हैं। अभी शेष रहे कामों की जांच करने के लिए हम लोग कोड़ियाखेड़ा ग्राम में जा रहे हैं, भिलाई में। अभी हम लोगों ने यहाँ पर बाउंड्री वॉल और CC रोड्स की जांच कर ली है, बाकी के कार्यों की जांच भी हम लोग कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया है उसकी जानकारी मेरे को भी लग रही है, अभी जानकारी आई है कि ऐसे भ्रष्ट जो भी कर्मचारी जो अधिकारी हैं, आपने जो कोड़ा पंचायत का सब इंजीनियर का मामला बताया है, उसके निश्चित मेरी अपनी सरकार की ओर से जितनी योजना आ रही है, मध्य प्रदेश हो या केंद्र से हो, सारी योजना का इस प्रकार कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है तो उसको किसी प्रकार का बख्शा नहीं जाएगा। आपने जो कोड़ा पंचायत का मामला बताया है वो मेरे संज्ञान में भी अभी आया है और निश्चित चुनाव संपन्न हुआ है, उसकी पूरी मैं जांच कराऊंगा और ऐसे भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जो भी है जनपद स्तर से हो या जिला स्तर से कठोर कार्रवाई कराकर उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा।